हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। और हम आज हम बात करने वाले हैं कुछ जबरदस्त और मज़ेदार मूवीज़ के बारे में। जी हाँ, फिल्में तो आपको देखने का आजकल मन कर ही रहा होगा क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है। कई सारे ऐसी मूवीज़ हैं जिस पर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि कौन सी देखें और कौन सी ना देखें, और कई बार हमने देखी भी होती हैं, बार बार देखने का भी मन करता है। तो कुछ एक्शन मूवीज़ की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, और एक्शन मूवीज़ की मैं क्या खास बात है इनमें और बाकियों में, ये जो मैं मूवीज़ यहाँ पे लिस्ट कर रहा हूँ ये मूवी सिर्फ ऐसी मूवीज़ है जो स्टोरी बेस्ड हैं और आपको बांधे रखती है लास्ट तक। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस पर मैक्सिमम आपको लड़ाई मिलेगी, मतलब इतना ज़्यादा एक्शन मिलेगा, इतना ज़्यादा एक्शन मिलेगा कि आपको लगेगा एक्शन खत्म ही नहीं हो रहा। तो चलिए शुरू करते हैं इस लिस्ट के साथ। तो पहली मूवी है यहाँ पे वर्ल्ड इन्वेजन, यानी कि बैटल ऑफ लॉस एंजलिस। और ये काफ़ी ज़बरदस्त मूवी है, अपने टाइम में 2012 के अराउंड ये मूवी आई थी। IMDb की रेटिंग 5.7, गूगल 89%, बट मूवी की कई सारी रेटिंग्स इसलिए होती है कि वह स्टोरीज होती है, डायरेक्शंस भी कई सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ थीम हमारी क्या है, एक्शन मूवीज जो कि लास्ट तक बने रखे आपको और मैक्सिमम एडवेंचर आपको मिले। तो इस मूवी में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। और आपकी स्क्रीन कास्ट आपको यहाँ नज़र आ रहा है समय, जो मूवी की कास्ट है एरॉन एडवर्ड हैं इसमें, और काफ़ी ज़बरदस्त इनकी मूवीज़ हैं, एक तरीके से इंडियाना जोन्स भी इनको लोग कहते हैं हमारे। और मिशेल हैं जो कि आपके फास्ट एंड फ्यूरियस में आपने इनके जलवे काफ़ी देखे हैं। तो ज़बरदस्त इस पे एक हम कह सकते हैं कि एक अच्छा काम किया सभी लोगों ने। ऑडियंस रिव्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक ऑडियंस का कहना है कि 100 टाइम्स बेटर है एक इंडिपेंडेंस डे से, जो कि अपने आप एक कमाल मूवी है एलियंस वाली। लेकिन ये मूवी जो आई थी 2012 के आसपास आई थी, और जो इंडिपेंडेंस डे है ये मूवी है जो न्यू वाली आई 2016 में है। लेकिन आप उसको भी देखेंगे तो वो अपने आप एक मास्टरपीस है अपने इस इंडिपेंडेंस सीरीज में। और बात करते हैं अगली मूवी की, ये है बैटरशिप, जबरदस्त मूवी है। दोबारा से सेम यहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ है, यहाँ पे मिलिट्री यूएस की जो लड़ाई करती है आए हुए एलियंस के साथ, आपको सेम लगेगा कि यार इसमें भी एलियंस है, इस पर भी एलियंस है। लेकिन डिफरेंस ये है कि ये जो मिलिट्री बेस थी और ये यहाँ पे जो है नेवी हमारी किस तरीके से काम करती है, अमेजिंग स्टोरी है इसकी, लास्ट तक आपको बांधे रखते हो जो मूवी है मैं क्या कहूँ। और जिस तरीके से इस पर फाइट सीन्स हैं और जिस तरीके से लड़ाई इस पर दी जाती है, जिस तरीके से मात दी जाती है एलियंस को और भगाया जाता है और यूएस को बचाया जाता है, काफ़ी अपने आप में ज़बरदस्त है। अप्रैल 13, 2012 की मूवी है, रिलीज हुई थी इंडिया में, और 20 करोड़ का इसका बजट था, जबकि इसकी बॉक्स ऑफिस की कमाई लगभग 30 करोड़ और या उससे ज़्यादा हुई होगी इस समय तक। और हम बात करते हैं अगली मूवी मैन ऑफ स्टील। अब आप ये बोलेंगे कि यार एलियंस एलियंस के बीच पे मैन ऑफ स्टील कहाँ से आ गया सुपर हीरो, ये भी इसलिए क्योंकि हमारी थीम जो है वो चल रही है हमारी एक्शन, जो कि आपको बांधे रखती है लास्ट तक। और इस मूवी का जो क्लाइमैक्स है उस पर इतनी फाइट है कि यकीन आप मानेंगे कि आप थक जाएंगे देखते देखते। तो ये मूवी मैन ऑफ स्टील अपने आप में एक बहुत ही ज़बरदस्त एक एक्शन सीरीज है, एक एक्शन मूवी है जो मैन ऑफ स्टील यानी कि सुपरमैन जो सीरीज है उस पर सबसे बेहतरीन एक ये चैप्टर है उस वाले मूवी सीरीज का। और इस पे आप ऑडियंस रिव्यूज़ भी देख सकते हैं किस तरीके से ऑडियंस कह रही है, बोल रही है कि बहुत ही अच्छी है, मैंने कई बार देख ली, 10 बार देख ली, मावस देख ली उसके बाद ये की गई। जी हाँ, इसके आप रिव्यूज़ भी गूगल में चेक कर सकते हैं, लेकिन टॉप रिव्यूज़ यू कैन रीड इट हियर, आप स्क्रीन को पॉज करके भी इसको पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट जो मूवी है द फाइनल द अल्टीमेट मूवी ऑपरेशन रेड सी, इसका कोई जवाब ही नहीं दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये इस तरीके की मूवी जिसपे एक चाइनीज आर्मी एक रेस्क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करती है ये वायर में, और ये वायर यानी कि यमन में पुराना, और अभी भी एक्चुअली चाइना उसको ऑक्यूपाइड किया है। एक टेररिस्ट ग्रुप हो क्या होता है कि लगभग 150+ सिविलियंस को जो है एक टेररिस्ट ग्रुप बंदी बना लेता है। उसके बाद जो है कुछ ही लोग, बहुत चंद लोग इस पे शामिल होते हैं, और ज़बरदस्त तरीके से जो फाइट सीन है अल्टीमेट, शायद ही एवेंजर सीरीज में भी इतनी फाइट हुई, जो एंड गेम अभी एवेंजर्स का है उससे भी ज़बरदस्त इस पर फाइट है। और उस पर तो एक मैजिकल फाइट है, लेकिन यहाँ पे किस तरीके से चाइनीज एक डायरेक्शन में दिखाया गया कि चाइनीज आर्मी किस तरीके से फाइट करती है, और फिल्म की जो स्टोरी शुरू से लेके लास्ट तक फाइट फाइट फाइट, आपके पास अगर सराउंडिंग इफेक्ट है और आपके पास एक होम थिएटर सिस्टम है तो डेफिनेटली यू विल एंजॉय दिस मूवी। और जिस तरीके से इस पे इफेक्ट्स दिए गए हैं, डॉल्बी इफेक्ट्स दिए गए हैं, साउंड इफेक्ट्स का काम किया गया है, काफ़ी काबिल तारीफ है। मतलब वन ऑफ द एक हम मूवी कह सकते हैं जो कि रेस्क्यू मूवी है। कई सारी मूवीज हमने देखी हैं बट उस पर एक बहुत ही ज़बरदस्त है अभी लेटेस्ट की ज़बरदस्त फिल्म है। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई सीरीज के साथ, कुछ नई और फिल्म है उसके साथ। जब तक आप इनको सर्च कीजिए, देखिए, और नहीं देखिए तो दोबारा देखिए। टिल देन, बाय।